तो फिलहाल हमने चेकआउट कर लिया है और अभी हम अपनी बाइक्स देखने जा रहे हैं। मैंने देख ली थी, इसको देखनी है अपनी गाड़ी। तुम भाई बर्फ़ जम दिखी है, मेरी पिघल गई, मेरी ऑलमोस्ट पिघल गई इनकी गद्दी में। इसकी खुर्स देख कितनी मोटी लेयर जमी है। पीछे लगा दे धूप में, तो मैंने धूप में खड़ी कर ली अपनी गाड़ी, मेरी भी जमी हुई थी पर पिघल गई सारी। सो हेलो एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग फाइन, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ हर्षिल ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं सातताल। ये पील अभी हमने सेब तोड़े, तो आज हम जा रहे हैं सातताल जो कि धारिल से ऊपर रास्ता जाता है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो अभी हम गाड़ी वाड़ी धूप में लगा के आ गए थे, अब सीधा ब्लॉग मैंने यहाँ पे से स्टार्ट किया। अभी हम सेब सूब तोड़ते तोड़ते जा रहे रास्ते में मस्त करके, एक एक बहुत मीठे सेब हैं, बहुत मीठे। और अभी भाई सेब की ओर जाते हुए, मैंने पकड़ रखा तुम्हें, ये पूरे सेब के बगीचे हैं। So sad. This is so sad, यार। यार नीचे रूमी। एक और सेब दिखाओ, लाल लाल, लाल, लाल। बिल्कुल रेड। पकड़ रखा तुम जो। वो भाई कितना पका हुआ है वो। अब मत करना बकचोदी। गुड, दिखा 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 कैमरे में तो दिखा। बुट्टे कितना लाल है। बढ़िया। तो ये पूरे सेब के बगीचे नीचे तक देखो, सेब लगे हुए बढ़िया एकदम रेड रेड। चलते हैं फिर ऊपर, बहुत चढ़ाई वाला रास्ता है ये भी, सब टेस्ट करेंगे। मीठा है, कतई मीठा है भाई, तो बहुत मीठा हो गया। पहली बार लाइफ में सीधा पेट छोड़ के सेब खा रहे हम। बहुत मीठा है, बहुत मीठा, झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ के घर देखो एकदम बढ़िया वाले, सबके टीन शेड है क्योंकि ये धूप से गर्म हो जाते ना, फिर ओस वोस जो भी जमा रहता सब पिघल जाता है। सेब तोड़ूंगा है। ओ भाई जितने भाई की जंप है, एक और ये वाला भी मिल ले, नहीं खांदे वो मैं खाऊंगा फिर। गजब गजब, दिखा दे सेब दिखा दे। तो यार काफ़ी बढ़िया बढ़िया व्यू देखने को मिल रहे हैं और सत्यम लोग पहले आगे पहुंच गए, हमारा वेट कर रहे हैं। और भाई आ गए। तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया व्यू है, लेकिन रास्ता काफ़ी स्टिफ था, रोड भी ठीक नहीं थी, तो थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी हो रही है मुझमें। पीछे ही है और अब यहाँ पे से जंगल स्टार्ट हो गया है। तो हम चमकीले चमकीले पत्थरों से जंगल की ओर पहुँच गए, काफ़ी हाइट पर आ गए हम, और यहाँ से ग्लेशियर के माउंटेन भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब तुम्हें मेरी इंस्टाग्राम आईडी में फ़ोटोज़ मिल जाएंगी देखने को। जो भी पहली बार आएगा यहाँ पे, अपने साथ ज़्यादा सामान वामान लेके मत आना, बहुत हाइट पे, रास्ता भी ख़राब है, ज़्यादा खा पी के भी मत आना, सांस फूल सकती है। हमने तो अभी परांठे वरांठे पेल लिए थे, तो थोड़ा चढ़ने में दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, चढ़ तो जाएंगे, नीचे आते वक्त मज़ा आएगा। चलते हैं फटाफट से ऊपर। ऐसा जंगल है यहाँ, भरा पड़ा, और रामपाल भाई नीचे खड़े, और रास्ता काफी स्टिफ है। हे द प्रभु, पर
काफ़ी सुकून है यहाँ पे। कोई कैंप वैम्प करना है तो कितना मज़ा आएगा, देखो कितनी प्यारी जगह है, ठंडी लेकिन चढ़ते चढ़ते गर्मी आई जा रही है। और तुम्हें यहाँ से वो भाई साहब गजब, तो भाई इस रास्ते हम आए और रामपाल भाई को टट्टी लग गई। तो आई थिंक हम पहुंच गए ऊपर तक, सात ताल होपफुली इस चढ़ाई के बाद होना चाहिए। काफ़ी हालत ख़राब हो गई, बहुत स्टिफ चढ़ाई थी पर मज़ा भी काफ़ी आया। हम अपने साथ पानी भी लेके नहीं आए, होंठ भी धक 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 कर रहे मेरे सही में ठंड से ना। और यहाँ पे से बहुत प्यारा व्यू है, फिर से दिखाता हूँ तुम लोगों को, एक और बार देखो वो देखो जबरदस्त। अभी हम इतने ऊपर आ गए कि हमें यहाँ रास्तों में हल्की हल्की ओस देखना चालू हो गई है, जबकि नीचे पूरा पिघल चुका था। अभी यहाँ स्टिल जमी भी है, बोटे कितनी हार्ड हो देखिए, और ऊपर पानी की आवाज़ भी आ रही मुझे। वो भाई ये तो बर्फ है, कटकड़ी हो रही है। देख रहे हो कितना प्यारा व्यू है और हम कितने हाइट पे आ गए हैं, ऐसा लग रहा है चलते चलते एक दो घंटे में हम उसमें पहाड़ तक पहुंच ही जाएंगे। बाप रे बड़ी खतरनाक चढ़ाई चढ़ी हमने, और इस साइड भी बहुत प्यारा व्यू है। मैंने तो बहुत सारी फ़ोटो खींच दी है लैंडस्केप। और यहाँ पे एक छोटा सा पानी की नदी भी है, मेरे पीछे बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है जैसे कि तुम लोगों को दिख ही रहा होगा। और मतलब थकावट तो काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन ऊपर आने के बाद काफ़ी अच्छा सुकून मिला है, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस। पहली बार आ रहे ना हम ऐसी जगह पे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और फ़ोन में देखने से बढ़िया मैं अगल बगल ज़्यादा देख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी प्यारा दृश्य दिख रहा है मुझे, तो मैं इसे इस मोमेंट को खोना नहीं चाहता क्योंकि बार बार आने का मौका मिले ना मिले, फ़िलहाल के लिए इसी से काम चलाओ तुम लोग भी। और आना ज़रूर घूमने, सात ताल भी जाना, तब बताना मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके कैसा लगा। और अभी भी कर देना कमेंट, और ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कर देना, नहीं भी आ रहा होगा तो भी कर देना, कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा उसी बेसिस पे लाइक कर देना। बस सपोर्ट करता रहो और तुम्हारा भाई धीरे धीरे ग्रो कर ही रहे, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाते रहेगा। और चलते फिर आगे, सत्यम लोग तो काफ़ी आगे पहुँच गए, मेरे को भी पहुँचना होगा फटाफट से। चलो तो देख रहो हम लगभग 4 किलोमीटर की स्टिफ चढ़ाई पे चढ़ के, वो पहाड़ देखो कितने नज़दीक नज़दीक दिख रहे हो, बिल्कुल सामने सामने, बाप रे। तो यहाँ ये नदी भी आ रही है इतनी प्यारी सी, कितना अच्छा लगता है ना, मस्त। और इसके साउंड हाय हाय, तो आई थिंक हम पहुँच गए हैं, यही है शायद ताल जिसकी ये बात कर रहे थे। यही है क्या, सात ताल में से एक ताल तो ये रहा, ऐसे इधर से आना है, एक फोटो खींच दे वहीं से यार, आ गया खींच दे वहीं से, वाइड खींच दे वाइड, ये भी सत्यम लोग उधर बैठे हुए, गाय भी पहुंच रही क्या। तो कहाँ कहाँ घुस रही थी गाय यहाँ झाड़ियों में, ये उधर झरना भी है, उधर तो पानी पी सकता हूँ मैं, मुझे प्यास लग रही है, वहाँ पे पी सकते हैं। और इधर हल्की हल्की बर्फ वाली ओस भी जमी हुई है, पाला नहीं है ये, थोड़ा सा हार्ड है ये। हाय हाय बढ़िया जगह है, तो ताल आ गया। तो यार काफ़ी बढ़िया सा लैंडस्केप बन रहा है, देख रहे हो इसका रिफ्लेक्शन इसमें पड़ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा प्यारा, मस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो काफ़ी सही लगा यहाँ पे आके, अभी तो ये पहला ताल है मेरे ख्याल से, इसके ऊपर और ताल हो सकते हैं, है और ताल और क्या, अभी अलग अलग जगह है, वो तो सात ताल कह रहे थे, मतलब सात जगह पे ऐसी
पानी को रोक के बना रखा है ना ये बोटिंग भी ऊपर कौन लेगा होगा यार बोट तो ऊपर तो देखते हैं अभी ऊपर जाते हैं ऊपर जाके पता करेंगे कितने ताल और है। फिलहाल यहाँ पे काफी बढ़िया व्यू आ रहा है इसका रिफ्लेक्शन देखो यार तुम पीछे पहाड़ का जबरदस्त 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 लाइक करो इसी बात पे। तो काफी शानदार व्यू था यहाँ पे मस्त रिफ्लेक्शन आई देखो पानी पे और उस माउंटेन की तो बहुत अच्छी फोटो वोटो खिंचाई हमने यहाँ पे। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। मस्त बिस्लरी मन तो रहा है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे यहाँ आने का मुझे भी आया थक भी लगी फोटो भी खिंचाई टाइम भी स्पेंड हुआ दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हमारे अक्की भाई को प्यास लग गई काफ़ी प्यासा लग रही है दो दिन से उन्होंने ठीक से पानी नहीं पिया अब पी रहे हैं। 30 लग गई 30 गढ़वाली में हम 30 बोलते हैं प्यास को 30 लग गई हमको गला सूख रहा है और मज़ा आ रहा है यहाँ पर मतलब पैसा वसूल हमारा मज़ा आ गया। चिल्ड पानी 100 रुपये पीने वाले के लिए सही है ये भाई हमारे लिए मतलब मैं तो पीता हूँ थोड़ी थोड़ी तू पीता है मैं नहीं पीता है। तो यहाँ पर मैंने सभी के नाम लिख दिए जो हमारे यहाँ घूमने के लिए अक्की सत्यम रोमी रियो यानी कि रामपाल और सामने बहुत ही प्यारा व्यू तो मैं इसकी फोटो लेने वाला हूँ एक मस्त वाली। यार हम नीवी तो 4 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं अभी तक हमें एक ही ताल दिखा है और हम बिल्कुल ग्लेशियर के नज़दीक आ चुके हैं ऐसा लग रहा है चलते रहेंगे तो पहुंच ही जाएंगे वहाँ। थक भी काफ़ी लग गया लेकिन पानी भी मिल गया था बगल में ठंडा बिस्लरी का पानी। तो ये जो पानी है ये पूरा ग्लेशियर से पिघलते हुए नीचे आ रहा है जो नीचे की ग्लेशियर है वो पिघलते सारा नीचे आ गया। तो फिलहाल ये रोमी लोग तो पता नहीं कहाँ चले गए और मैं और रामपाल धीरे धीरे आ रहे थे पीछे से। ये ब्लॉग आज का मेरे ख्याल से यहीं बन जाएगा पूरा पता नहीं कितना लंबा रास्ता है और अभी तक एक ही ताल दिखा है तो सेकंड ताल भी दिख गया है ये बाउंड्री लगी हुई है चलो दिखाते हैं तुम्हें इसको भी दिखाते हैं। अब नहीं जाएंगे यार आगे हमें भी उत्तरकाशी भी निकलना है यहाँ से टाइम लग जाएगा काफ़ी। ये रहा सेकंड ताल आई थिंक सो सेकंड ताल दिस इज सेकंड ताल आई थिंक सो दिस इज सेकंड ताल आई थिंक सो किचड़ हो रखा है यहाँ पे बहुत सारा सो गाइस अरे यार तो सूखा पड़ा है मैं तो नहीं जा रहा इससे ऊपर अभी पता नहीं कहाँ चले गए लौंडे कह रहा था बोटिंग होती है अच्छा यहीं पे हैं बैग तो यहीं पहन के गजब यार हाय हाय क्या ही प्यारा व्यू है भाई जबरदस्त उदय शेर क्या हुआ नहा भी गए तुम पानी तो गंदा भी नहीं लग रहा और पानी हिलावा भी नहीं लग रहा 15-20 मिनट हो गए मैं आए हुए और पीछे कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई जबरदस्त अब नहीं जा रहे आगे यार पता नहीं कितने दूर होगा क्योंकि अभी वापस में निकलना हमें बॉडी देखो लौंडे की भैंस की टाइट कर दे टाइट हैं थोड़ी देर पहले आता क्यों ऐसे क्या था बहुत तगड़ा व्यू था अच्छा समझ गया। तो यार यही था 7 ताल का दूसरा ताल बाकी ऊपर इसके ऊपर होंगे ताल काफ़ी हाइट पे आ गए हैं तो आगे नहीं जा रहे अब वापस जाएंगे अब उत्तरकाशी में रुकेंगे और वहाँ है दरिया बुग्याल करके रोमी ने जगह ढूंढी है तो कल का ट्रैक वहाँ करेंगे अभी देखते हैं आगे क्या होता है तो ब्लॉग में डाल दूंगा नहीं होगा तो ब्लॉग का एंड कर देंगे आगे जाके फिलहाल चलते हैं नीचे मिलते हैं आपसे आगे। और हाँ यार अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देना और ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई यहाँ पे वहाँ से वो हल्ला कर रहा है पीछे वो वहाँ से तो ये बहुत ही प्यारा सा व्यू था यहाँ पे भी तो चलते हैं अब वापस मिलते हैं आपसे आगे।
तो यार हमारा हर्सिल का ट्रिप तो कंप्लीट हो गया है, गंगोत्री भी घूमा है, गाड़ी भी ख़राब हुई थी, मतलब बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हमने, तो ऐसा कुछ हो सकता है हम लोगों के साथ। तो पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है हर एक सिचुएशन के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं उत्तरकाशी और फ्यूल भी वहीं फिल कराएंगे, तो चलते हैं फटाफट। फिर कल एक बुग्याल है वहाँ का ट्रैक करेंगे, देखते हैं जो भी सिचुएशन बनती है। तो यार आज हम जा रहे हैं डेरा बुग्याल, तो मतलब कल करेंगे ट्रैक, तो आज वहाँ रुकेंगे। तो ये उत्तरकाशी वाला रास्ता है, तो हम यहाँ से एक रास्ता कटता है ऊपर के, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है द्वारा रिजॉर्ट करके, तो वहाँ पे जाना है, वहाँ से ऊपर की ये चढ़ाई है। तो आज तो हम वहाँ होटल में रेस्ट करेंगे, कल सुबह ट्रैक करेंगे द्वारा बुग्याल का। तो हम आ गए बारसू गाँव में, बड़ा प्यारा सा लग रहा है गाँव, काफ़ी हाइट पर, लेकिन यार ठंड से तो इनकी भी हालत ख़राब हो जाती होगी। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। तो ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं बारसू गांव के पास, ये रहा गांव, और यहां से कल ट्रैक स्टार्ट होगा दयारा बुग्याल का, जो कि हम सुबह के टाइम करेंगे आराम से। तो हमने ये रिजॉर्ट लिया हुआ है, तो मैं दिखा दूंगा मैं थोड़ी देर में। और इस रिजॉर्ट का नाम है दयारा सराई होम स्टे करके, तो मैं नंबर वगैरह डाल दूंगा। काफ़ी अच्छी सर्विस है, आप भी आके स्टे कर सकते हो यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ से व्यू बहुत ही बढ़िया, देखो पीछे पूरे पहाड़। तो यार ये लिया हमने रूम 3 बेड वाला, काफ़ी बढ़िया लॉन्डो, मज़ा आ रहा है, और वॉशरूम भी अच्छा है इसका। यार ये देखो कितना बढ़िया है, गीजर वीजर सारे, मिरर विरर लगा है। और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ तो मैं बाहर का, देख रहे हो तुम, देख रहे हो, जलना मत कोई, पहली बता रहा हूँ रूमी, जलना मत कोई। तो फिलहाल मैं तुम्हें रिजॉर्ट दिखाता हूँ बाहर से कैसा दिख रहा है। अभी मैं रास्ते में जाता हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग करता हूँ। तो ये रहा रिजॉर्ट, ठीक है, बुग्याल सराई होम स्टे करके बारसू गांव के पास। और अभी मैं ज़रा गाड़ी में कुछ चेक करने जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे इनका किचन है, खाना खाने के लिए हमें रात को यहीं पे आना पड़ेगा। वो नीचे वाला हमारा रूम है, हमें 3 बेड नीचे मिला, ऊपर सारे डबल बेड थे। गाड़ियाँ पार्क यहाँ पे, और यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है, सुबह सुबह स्नैप बनाने में मज़ा आएगा। काफ़ी हाइट पर था ये गाँव बारसू, जो कि ये है पीछे ठीक इस रिजॉर्ट के। और कल ट्रैक स्टार्ट होगा, वो तो कल ही पता चलेगा कहाँ जाना है, रास्ता भी ठीक ठाक ही था। चलो फिलहाल चलते हैं नीचे। हाँ, बुग्याल सराई होम स्टे का तुम्हें मैं नंबर दिखा देता हूँ, ये रहा, कांटेक्ट कर लूँगा जिसको भी आना होगा। बहुत बढ़िया है। तो यार इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, रात को अगर बॉनफायर होगी तो वो डाल दूंगा व्लॉग में। होपफुली तुम लोग को ये व्लॉग देखने में मज़ा आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ये शायद तीसरा चौथा पार्ट होगा, ऐसे करके मैं 4-5 पार्ट बना दूंगा और धीरे धीरे करके डालता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ़।